हेलो गाइस, मेरा नाम है जीतू। आप देख रहे हो जीतू इलेक्ट्रॉनिक। आज मेरे पास है बोट एयरडॉप्स 181 ट्विंस ईयरबड्स है। आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। आप और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइए ये ईयरबड्स आपको कैसा लगा। और ये ईयरबड्स आपको बाय करने के रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, उनसे आप बाय कर सकते हो। और मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। चलो इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है बोट एयरडॉप्स 181 ट्विंस ईयरबड्स है। जैसे ऊपर से बॉक्स आपको इस तरह से मिलेगा, आपको 10 mm आपको डायमंड ड्राइवर रहेगा, इंप्रेशन साउंड रहेगा, आपको ENX आपको माइक टेक्नोलॉजी रहेगा और बेस्ट मोड भी रहेगा आपको गेमिंग के लिए। और पीछे की तरह फंक्शन में आपको दिखा था VIP टेक्नोलॉजी रहेगा। टोटल प्लेबैक आपको 20 Hz रहेगा एडिशनल केस के साथ। IPX4 वाटर रेजिस्टेंस रहेगा और अल्ट्रा लाइट वेट रहेगा, ज़्यादा वेट नहीं रहेगा, एकदम लाइट वेट रहेगा। और इसमें फास्ट चार्जर सपोर्टेड है। और MRP की बात जाएगा 2990 इतना नहीं है, 1200 के आसपास आपको मिल जाएगा। चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। जैसे ओपन करने में आपको इस तरह से उसको होगा कि दो आपको ईयरबड्स मिलेगा और ये आपको चार्जिंग केस मिलेगा और भी आपको टाइप सी आपको डाटा केबल्स रहेगा और ये एक्स्ट्रा आपको ईयर टिप्स रहेंगे। और नीचे आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्री रहेगा, 1 ईयर वारंटी कार्ड वगैरह आपको मिलेगा। जैसे भी आपको केस देखा जाए इस तरह से रहेगा। हम पन्नी हटा लेते हैं। जैसे केस देखा था काफ़ी छोटा रहेगा, एकदम लाइट वेयर, ज़्यादा वेट वाला में वेट नहीं रहेगा, एकदम लाइट वेयर है आप और इजी से कैरी कर सकते हो। काफ़ी सारा लाइट वेट है और इस तरह से आपको केस रहेगा। और नीचे की तरह आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट रहेगा, ऊपर आपको ब्रांड लोगो मिल जाएगा। और फिनिशिंग की भी बात करें, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, एकदम शाइनिंग कर रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अंदर से आपको इस तरह से आपको मिलेगा। और भी हम केस के अंदर ईयरबड्स भी डाल देते हैं। और नीचे आपको लाइट इंडिकेटर मिलेगी, ये आपको नीचे लाइट इंडिकेटर है। और भी आपको एक बटन भी मिलेगा, एक बटन भी नीचे आपको दिखाई देगा। और भी ईयरबड्स देखा था, ईयरबड्स आपको इस तरह से मिलेगा, काफ़ी छोटे ईयरबड्स है। ऊपर आपको टच कंट्रोलर मिलेगा, ये आपको माइक के लिए रहेगा। और डिज़ाइन की बात की तो इस तरह से आपको डिज़ाइनिंग मिलेगी। और ईयर टिप्स भी काफ़ी सॉफ्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और नीचे की तो दो पोर्ट लग रहे हो आपको चार्जिंग के लिए रहेगा। और ईयरबड्स भी काफ़ी छोटे हैं और एकदम कंफर्टेबल रहेगा, जैसे देखा है तो एकदम काफ़ी लाइट वेट में भी आपको ये मिलेगा। और भी हम ईयरबड्स को कनेक्ट कर लेते हैं फ़ोन में। सबसे पहले फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कीजिए। ऑन करने के आपको लिखा हुआ एयरटॉप्स 181, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपका ईयरबड्स कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा ईयरबड्स कनेक्ट हो गया है। और भी हम टच का चेक कर लो उसको यूजिंग कैसे है। जैसे सिंगल प्रेस पे आपको पॉज हो जाएगा, वापस सिंगल प्रेस के ऊपर आपको प्ले हो जाएगा। जैसे डबल टैप करेंगे सॉन्ग नेक्स्ट हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में आपको डबल टैप करेंगे तो प्रीव्यू सॉन्ग आ जाएगा। और भी आप लेफ्ट साइड में डबल टैप करेंगे तो आपका प्रीव्यू सॉन्ग आ जाएगा। ये हमारा प्रीव्यू सॉन्ग है, ये इसका यूजिंग रहेगा। और भी आपको कॉल आ रहा है, कॉल को आपको रिसीव करना है, 1 टैप रहेगा। और कॉल को कट करने का रहेगा तो 1 टैप ही रहेगा। और कॉल आपको रिजेक्ट करने का रहेगा, आपको कॉल आ रहा है, आपको कॉल उसको नहीं उठाना है तो उसमें आपको डबल टैप कीजिए, आपका कॉल रिसीव हो जाएगा। और भी उसमें गेमिंग के लिए आपको बेस्ट मोड मिलेगा। बेस्ट मोड के लिए आप 3 सेकेंड के लिए प्रेस करके राइट साइड में तो आपका बेस्ट मोड ऑन हो जाएगा। राइट साइड में आप 3 सेकेंड प्रेस करके आपको ईयरबड्स में आवाज़ आएगा, बेस्ट मोड ऑन हो जाएगा। और इसमें वॉइस असिस्टेंट मिलेगा। वॉइस असिस्टेंट के लिए आपको लेफ्ट साइड में 3 सेकेंड प्रेस करना पड़ेगा तो वॉइस असिस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3, ये हमारा वॉइस असिस्टेंट स्टार्ट हो गया, इसका ये रहेगा। और बेस्ट मोड के लिए आपको लेफ्ट साइड में 2-3 सेकेंड के लिए आप प्रेस करेंगे आपका बेस्ट मोड स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका टच का यूजिंग रहेगा। और भी ईयरबड्स में आपको कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सबसे पहले ईयरबड्स केस के अंदर रख लीजिए। केस के अंदर रख के आपको फ़ोन से डिस्कनेक्ट कर लीजिए। केस के अंदर फ़ोन में डिस्कनेक्ट कर लीजिए। बाद में ये बटन्स रहेगा, इसको ओपन कीजिए। ये बटन्स आप 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखिए। जैसे प्रेस करके रखेंगे आपका ईयरबड्स रिसेट हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं। तो सात
ये हमारा ईयरबड्स रिसेट हो गया, कोई भी एक कनेक्ट हो रहा है, एक कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको रिसेट करना पड़ रहा है। ये हमने ईयरबड्स को रिसेट किया, बाद में आपका कनेक्टिविटी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। और भी ईयरबड्स में आपको टाइप सी केबल लगेगा, जैसे टाइप सी इंसर्ट करेंगे तो आपको लाइट इस तरह से ब्लिंक होगी, और ये केस को फुल चार्ज होने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, आपको 1.5 घंटे में केस फुल हो जाएगा, और केस की कैपेसिटी आपको 300 mAh आपको रहेगी। और ईयरबड्स को चार्ज होने में आपको 45 मिनट्स लेगा, और ईयरबड्स की बैटरी कैपेसिटी आपको 35 mAh रहेगी, दोनों ईयरबड्स में 35 mAh आपको रहेगी। और ये केस के अंदर 3 से 4 बार चार्ज होगा, और एडिशनल केस के साथ आपको 20 वॉट्स आपको इसका बैटरी बैकअप रहेगा। और भी ईयरबड्स की आपको ट्रांसमिशन रेंज आपको 10 मीटर रहेगी, और ब्लूटूथ वर्जन V5.2 रहेगा, इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है, और IPX फॉर उसका वाटर रेटिंग्स रहेगा। और भी हम चेक कर लें इसका साउंड कैसा रहेगा, और भी हम ईयरबड्स को चेक कर लेते हमारे कान में कितने कंफर्टेबल रहेगा। जैसे देखा है तो फिटिंग का कोई इश्यू नहीं, एकदम कंप्लीट फिटिंग है, और गिरने का भी कोई चांस नहीं है। और इसमें डायमेटिक ड्राइवर आपको 10 में मिलेगा, और उसका साउंड कैसा वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे ईयरबड्स में देखा था साउंड काफ़ी अच्छा है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, और उसमें सिग्नेचर साउंड रहेगा बोट का, और इसमें ENX माइक टेक्नोलॉजी रहेगा, इसके लिए आपको बैकग्राउंड साउंड सामने नहीं जाएगा, एकदम आपको कॉलिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये आपको बाय करने का रहेगा तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, ये आपको 1399 में आपको मिलेगा मेरे लिंक से बाय करेंगे तो। और भी आप मेरे चैनल पर पहली बार आओ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और कॉमेंट करके ज़रूर बताइए ईयरबड्स आपको कैसा लगा।